यूपी के महाराजगंज जिले में आज आर्थिक रूप से कमजोर 131 जोड़ों का सरकारी खर्च पर सामूहिक विवाह कराएंगे। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के हर जिलों में सामूहिक विवाह कराने का सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में आज महाराजगंज जिले के कोलहुई कस्बे के एक मैरिज हॉल में भी 131 जोड़ों ने 7 जन्मों का साथ जीने मरने की कसम खाई। हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्मों के गरीब वर्ग के लोगों के पूरी विधि विधान से शादी कराई गई। इसमें 83 जोड़ा हिंदू रीति रिवाज से तथा 19 जोड़ों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की, वहीं 29 जोड़ों ने बौद्ध रिवाज से शादी की। इस कार्यक्रम में बीजेपी के परिंदा विधायक समेत डीएम एसपी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने पूरे विधि विधान के साथ इन नए जोड़ों की शादियां कराई। बारातियों के स्वागत से लेकर विदाई तक की व्यवस्था प्रशासन ने की थी। वहीं विवाह बंधन में बंधे जोड़े मुख्यमंत्री के इस पहल से काफी खुश थे। भाजपा विधायक बजरंगी सिंह ने कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से गरीब तबके और असहाय लोग, जिनको अपनी बेटी की शादी करने में दिक्कत होती थी, उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा सामूहिक विवाह योजना के तहत अब आसानी से शादी हो जा रही है, जिसके तहत आज यहाँ 131 जोड़ों की शादी कराई गई। पब्लिक न्यूज के लिए महाराजगंज से विजय चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश के सब तपस्वी मुख्यमंत्री, कर्मठ एवं कर्मशील मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई, जिसपे भारी भरकम बजट की व्यवस्था सुनिश्चित किया और पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों का भला हो रहा है। हमारे महाराजगंज जनपद में अब तक लगभग 6400 से अधिक बच्चे और बच्चियों की शादी सामूहिक विवाह योजना में हो चुकी है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरे विधानसभा में 131 जोड़ों की शादी हुई है और हम सब लोग पूरी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए लगातार संकल्पित हैं। पूरा जिला महकमा आज यहाँ उपस्थित था और पूरे भारी भरकम तरीके से आज 131 जोड़ों की शादी संपन्न हुई है। मैंने उनको शुभकामना दिया है, आशीष दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। इसमें हमारे यहाँ 129 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। 131 जोड़े बताए जा रहे हैं। इसमें 3 धर्म के लोग रहे, इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के और हिंदू धर्म के, जिनकी शादी यहाँ संपन्न हुई है। और सरकार की योजना है कि जितने ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास पहुँचे, उनकी शादियाँ हम लोग यहाँ सामूहिक विवाह में हम लोग करा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सर अन्य ऐसे परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश यही है कि अगर नवविवाहित दंपति अगर चाहते हैं कि हम लोग को शादी करनी है, तो इसमें पैसे की कमी कभी भी आड़े नहीं आती है। सरकार इसमें अनुदान भी देती है और शादियां भी हम लोग एक अच्छे कार्यक्रम को करके एक अच्छी प्रेजेंस में कराते हैं। सर, क्या इस प्रकार का कार्यक्रम जिले में और कहीं भी रखा गया है? हाँ, इसके अलावा हम लोग और भी आगे आने वाले दिनों में करेंगे, सदर में भी करेंगे और अन्य तहसीलों में भी इस कार्यक्रम को कराया जाएगा। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।